जनपद मैनपुरी में एक बार फिर दर्दनाक हादसा सामने आया है। स्कूल जा रही छात्राओं के ऊपर डीसीएम पलट गई, जिसमें एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बरनाहाल थाना क्षेत्र के करहल सिरसागंज मार्ग का है, जहां दो छात्राएं स्नेहलता व दीप्ति सड़क किनारे पैदल अपने स्कूल जा रही थी, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर उनके ऊपर पलट गई, जिसमें 18 वर्षीय स्नेहलता की दबकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दीप्ति गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना के बाद मौके पर से चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जैसे ही ग्रामीणों एवं परिजनों को घटना की सूचना मिली, घर में कोहराम मच गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर ही डीसीएम चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर करहल सिरसागंज मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे करहल पुलिस क्षेत्र अधिकारी सहित तमाम अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर और जाम को खुलवाया। पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और डीसीएम चालक के खिलाफ कार्रवाई कर तत्काल गिरफ्तार करने का भी आश्वासन दिया है। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर क्या कुछ कहना है अपर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी का, आइए सुनते हैं। हादसा हो गया है, क्या मामला हो गया सर? बच्ची ये मामला थाना बरनाहाल के करहल सिरसागंज रोड के पास पेट्रोल पंप का है। एक डीसीएम यहाँ पर पलट गई थी, जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, तब के ख़त्म हो गई है। इस सूचना पे मौके पे पुलिस पहुंची बरनाहाल की, और सीओ साहब करहल भी वहाँ मौके पे हैं। बॉडी को सकुशल निकलवा लिया गया है, उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है।